चैप्टर 5 के दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ एंगुलर मोशन के केस में किस तरह मॉडिफाई होता है, और फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर वेलोसिटी जिस तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रेट लीनियर वेलोसिटी होता है, इस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि हम थीटास में मेजर करते हैं, डेल्टा थीटा, उसका रेट एंगुलर वेलोसिटी होता है। यानी अगर हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव किया एक सर्कल में, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, हमारे पास एंगल्स आए, पॉइंट ए का एंगल थीटा वन था, थीटा आई था, और इस वक्त हमने टाइम नोट किया टी आई, टी इनिशियल कह लें इसको, और फिर दूसरा पॉइंट बी पे थीटा फाइनल, टाइम फाइनल, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम था, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, सॉरी टाइम। इसके यूनिट्स क्या बनने चाहिए? थीटा के यूनिट्स हैं रेडियंस पर सेकेंड, इसके यूनिट रेडियंस पर सेकेंड है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है, और हम राइट हैंड रूल से लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में लेके फिंगर्स कर्ल करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन या एक्सिस ऑफ रोटेशन की या ऊपर होती है या नीचे होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन एसआई यूनिट इज एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, थीटा को रेडियंस में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में, रेडियंस पर सेकंड इसका आंसर है। एसआई यूनिट में रेडियंस होते हैं, डिग्री भी डिग्री पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो सकती है, मगर ये एसआई यूनिट नहीं है। रेवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकती है, मगर एसआई यूनिट नहीं है। मीटर पर सेकंड हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ लीनियर वेलोसिटी की हो सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो के बराबर होता है चेंज इन एंगल ओवर चेंज इन टाइम के, रेडियंस पर सेकंड में मेजर किया जाता है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं? सेकंड्स की डायमेंशन टाइम है, और इसके न्यूमरेटर में रेडियंस की हमने डायमेंशंस लेनी है। रेडियंस की डायमेंशंस क्या हैं? असल सवाल ये है, रेडियंस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर एक सर्कल का रेडियस आर है और उसकी आर्क लेंथ आर के बराबर है तो एंगल वन रेडियन प्रोजेक्ट होगा। इसका मतलब है कि जो हमारा रिलेशनशिप था एस इज इक्वल टू आर थीटा, उसके मुताबिक अगर ये जो मेरा डिस्टेंस कवर्ड है ये एस है, ये आर के बराबर होगा, मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ आर से, तो मेरे पास थीटा कितना आएगा, आर आर से कट गया, थीटा इज इक्वल टू वन रेडियन, और यही मेरी रेडियन की डेफिनेशन है कि जब आर्क लेंथ एस बराबर होती है रेडियस के तो मेरा एंगल वन रेडियन के बराबर होता है। इसको आप यूं देख सकते हैं कि रेडियन एक फिजिकल चीज नहीं है, इसकी कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं है, रेडियन एक रेशो है, थीटा एक रेशो है आर्क लेंथ की डिवाइडेड बाय रेडियस के साथ, तो जो रेशो होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मसलन अगर मैं आपको दो चीज़ों का वेट बताती हूँ, एक चीज़ का वेट 5 kg है, दूसरी चीज़ का 10 kg है, रेशो में यूनिट्स कट जाती हैं, मगर 1/2 मेरे पास रेशो आ गई, तो थीटा एक ऐसा यूनिट है जो कि असल में एक रेशो है, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बल्कि एक रेशो है, एक रेशो के जरिए हम एंगल को मेजर करते हैं, और रेशो की कोई डायमेंशन नहीं है, कोई किसी फिजिकल चीज को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसलिए जब किसी चीज की कोई डायमेंशन नहीं होती वो एक रेशो रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो थीटा वन रेडियन हम वन डाल देते हैं। हम जीरो क्यों नहीं लिखते इसके बजाय? इसलिए कि जीरो का मतलब होगा कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, थीटा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, थीटा कुछ है, थीटा एक रेशो है, और वन थीटा वन रेडियन के बराबर होता है, इसलिए हम इसको वन लिख देते हैं। हमारी डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर पर यूनिट टाइम। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज, जब सर्कल में मूव कर रही होती है तो एक उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है और एक उसकी एंगुलर। लीनियर की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है, हर हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, और एंगुलर की अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन या ऊपर या नीचे होती है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एंगुलर वेलोसिटी के केस में होता है, अलोंग द टेंजेंट, बिल्कुल ठीक, अलोंग द टेंजेंट होती है उसकी डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं होती। अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 m/s, ये उसकी लीनियर स्पीड है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एंगुलर स्पीड कितनी है? लीनियर स्पीड गिवन है, एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, हम ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे, लीनियर और एंगुलर का रिलेशन। वी है 2 m/s इज इक्वल टू आर 0.4 m टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी है 2 / 0.4, इसको हम लिख सकते हैं 20/4, जो कि है हमारे पास 5, इसकी यूनिट्स क्या होने चाहिए? रेडियंस
पर सेकेंड, क्योंकि हमने सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज किए, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी एसआई यूनिट्स में आएगी, जो कि रेडियंस पर सेकेंड है, 5 रेडियंस पर सेकेंड. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज, एक बॉडी सर्कल में मूव करिए उसकी लीनियर वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट होती है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है. इस तरह तो जिस प्लेन में ये बॉडी मूव करी है वो प्लेन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है और एंगल लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान भी 90 डिग्री होता है इसी वजह से. रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी और एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, यानी बॉडी रोटेट करिए तो एक उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है और दूसरा उसकी, अगर बॉडी सिर्फ उस बॉडी के मोशन को आप देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है तो इसकी एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है. इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है हम कैलकुलेट कर चुके हैं, v इज इक्वल टू r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी होता है और ये हमने कहाँ से ड्राइव किया था, s इज इक्वल टू r थीटा से. ये हमारा रिलेशनशिप है. हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है. a ऑप्शन में ओमेगा क्रॉस r लिखा हुआ है, v ऑप्शन में ओमेगा डॉट r लिखा हुआ है और c ऑप्शन में r क्रॉस ओमेगा, v ऑप्शन में ओमेगा प्लस r, तो ऑलमोस्ट सब सेम नजर आ रहा है. d ऑप्शन गलत है क्योंकि प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है. इन एनी केस ये जो क्रॉस प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप चेंज कर दें ओमेगा वर्सेस आर या आर वर्सेस ओमेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट वाले ऑप्शंस को हम क्रॉस आउट कर देते हैं. मगर क्या डॉट प्रोडक्ट होता है? ये जो वी होता है ये दरअसल चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम होता है और ये फिर ट्रांसलेट होता है इसमें. ये जो चेंज इन डिस्टेंस होता है ना, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, मगर ये वेलोसिटी तो आपके सामने स्क्रीन पर इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हुई हैं जो कि लीनियर मोशन के लिए वैलिड थी, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है. इनकी दो कंडीशंस थी इन इक्वेशंस की. एक कंडीशंस थी लीनियर हो मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन में हो. जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसका एक फायदा होता है, वो ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती. डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट रहती है. ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है इसको s कह देते हैं फिलहाल, और हमारी जो वेलोसिटी है इनकी एक ही डायरेक्शन होती है एवरेज वेलोसिटी की. जब स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं तो ये चेंज नहीं होती क्योंकि कर्व नहीं है, पाथ कर्व नहीं है. हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमारी एवरेज वेलोसिटी सेम होगी. इसी तरह एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन दोनों से मुख्तलिफ होती है मगर वो भी चेंज नहीं होती. तो जब हमारा लीनियर मोशन होता है हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट रहती है. इसकी वजह से हमें पता होता है इन सब वेरिएबल्स की क्या डायरेक्शन है और हम फिर इनको स्केलर्स के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसलिए हमें बार बार डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती. दूसरी कंडीशन थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब इन्हीं इक्वेशंस को हम एंगुलर मोशन के लिए अडाप्ट करना चाहते हैं कि हम इन इक्वेशंस को एंगुलर मोशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. हमें ये पता चला कि अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दें, सॉरी लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दें एंगुलर वेलोसिटी से, लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दें एंगुलर एक्सेलरेशन से और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर दें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो हम इन इक्वेशन को रीराइट कर देते हैं ये वेरिएबल रिप्लेस करके और ये इक्वेशंस हमारे लिए एंगुलर मोशन के ऊपर भी फिट आती हैं. इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम एंगुलर मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने सिंपली वेरिएबल्स को रिप्लेस करना है. प्लस अल्फा टी टू अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर एंड सो ऑन, ये दो भी हम यूं ही लिख सकते हैं. मगर हमारे पास एंगुलर मोशन के लिए भी कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस सिमिलर हैं जो हमारी लीनियर मोशन के लिए कंडीशंस थी. एंगुलर मोशन के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए मगर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि हम एंगुलर मोशन के साथ डील कर रहे हैं. एक तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन होनी चाहिए और दूसरा कंडीशन थी कि लीनियर हो. अब लीनियर तो मोशन नहीं हो सकता क्योंकि एंगुलर मोशन है, वो तो लीनियर नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं हो सकता. तो हम इसकी इंप्लीकेशन देखते हैं. डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट थी ना फर्स्ट केस में, तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट हो एंगुलर के केस में भी. अब ऐसा कैसे हो सकता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट करने के लिए हम एंगुलर मोशन के ऊपर क्या कंडीशन लगा सकते हैं? वो कंडीशन ये है कि
उसके लिए हम देखते हैं कि एंगुलर मोशन की डायरेक्शन आती कैसे है. एक हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है जिसके गिर्द कोई चीज रोटेट कर रही होती है और उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से आती है. हम एक्सेस ऑफ रोटेशन को पकड़ते हैं राइट हैंड में और अपनी उंगलियां कर्व करते हैं अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाती है जो या ऊपर होती है या नीचे होती है. अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स करना चाहते हैं तो हमें ये फिक्स करने की जरूरत है कि हम क्लॉकवाइज मोशन कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर लें. इसको हम कहते हैं कि हम एक्सेस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर लेते हैं. एक्सेस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड. इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने कॉन्स्टेंट कर ली, यानी मोशन या क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है. तो ये दो कंडीशंस फुलफिल हो तो एंगुलर मोशन के लिए हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं. जिस तरह लीनियर डोमेन में फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है, इसी तरह एंगुलर डोमेन में टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है. यानी अगर हम किसी चीज को स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहते हैं, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट उसके अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट पैदा करेगा. मगर अगर हम उस चीज के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा करना चाहते हैं तो हम टॉर्क अप्लाई करते हैं और जितना टॉर्क होगा उतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी. तो बेसिकली फोर्स का इक्विवेलेंट है एंगुलर डोमेन में टॉर्क. फोर्स न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स अगर हम किसी चीज पे अप्लाई करें जिसका मास एम है उसके अंदर एक्सेलरेशन ए पैदा होती है, तो इन तीन क्वांटिटीज को रिलेट करता है न्यूटन का सेकेंड लॉ. अब हम एंगुलर डोमेन में न्यूटन के सेकेंड लॉ को देखना चाहते हैं कि अगर हम फोर्स कह रहे हैं कि टॉर्क के इक्विवेलेंट है तो टॉर्क किस चीज के बराबर है और क्या वो चीज मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करती है या नहीं. टॉर्क हमें पता है आर क्रॉस एफ होता है. अगर हम किसी चीज के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो रोटेट करती है एक एक्सिस के गिर्द, उस एक्सिस से जिस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया उस तक के डिस्टेंस को हम आर कहते हैं. एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा फोर्स का फर्ज करें परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. तो हमारे पास टॉर्क बराबर होता है आर एफ साइन थीटा. इस केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आर और एफ परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, यानी फोर्स का कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. तो साइन 90 हमारा 1 हो जाएगा. टॉर्क बराबर है आर इंटू एफ के. अब फोर्स की हमें पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ, आर मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है. ये टॉर्क है एक्सेलरेशन, यानी इस फोर्स के नतीजे में एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ एक एक्सेलरेशन से. अगर कोई बॉडी थी, ये एक बॉडी थी, ये एक्सेलरेट करेगी, इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी ए टी. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कैसे रिलेट करती है, आर इंटू अल्फा. तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ आर एम आर इंटू अल्फा से. मेरे पास आ गया एम आर स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया टॉर्क. ये टॉर्क है. अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसका न्यूटन के सेकेंड लॉ के साथ क्या सिमिलैरिटी है. फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट पैदा करता था, टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है. फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है और टॉर्क जो है वो मास इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो ये इक्विवेलेंट है. मगर एक एक्स्ट्रा चीज आपको नजर आ रही होगी, आर स्क्वायर. तो ये आर स्क्वायर एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, मगर ओवरऑल टॉर्क एक्सेलरेशन फोर्स और लीनियर एक्सेलरेशन के बराबर है और मास के बजाय हमारे पास एम आर स्क्वायर एक चीज आ गई है. एम आर स्क्वायर ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम एक खास सिंबल दे देते हैं आई और हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं. और हम कहते हैं कि जो चीज लीनियर डोमेन में मास होती है एम होती है, एंगुलर डोमेन में एम आर स्क्वायर होती है और उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं. इसको हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. इन एंगुलर मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन का सेकेंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए. एंगुलर डोमेन में फोर्स की जगह टाउ होता है टॉर्क और मास की जगह रोटेशनल मास होता है आई जो कि एम आर स्क्वायर के बराबर होता है टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ एंगुलर डोमेन में और हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में गिवन है. ऑप्शन ए तो लीनियर डोमेन में है, एफ हमें कोई और चीज दे रहा है, ऑल ऑफ दीज गलत है.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस स्क्वायर्ड, यानी कोई चीज जिसका मास एम है एक सर्कल में मूव करी है जिसका रेडियस आर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है। इसका रोटेशनल मोशन में वही रोल होता है जो लीनियर मोशन में मास का होता है, इसलिए इसको रोटेशनल मास भी कहते हैं। मास के साथ ताल्लुक होता है इनर्शिया का, जिस चीज का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, यानी अगर वो चीज एट रेस्ट है तो उसको मूव करना मुश्किल होता है और अगर वो मूव करिए तो उसको रोकना मुश्किल होता है। जैसे एक बड़ा बॉल हो भारी और एक हल्का हो तो भारी वाले बॉल को मूव करना भी मुश्किल होता है और अगर वो मूव करो तो रुकना भी मुश्किल होता है क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। इसको हम देखते हैं रोटेशनल के केस में, मेरा रोटेशनल मास एम आर स्क्वायर है, यानी सिर्फ मास से फर्क नहीं पड़ा बल्कि रेडियस से भी फर्क पड़ा है। अगर मेरे पास दो एक रस्सी के साथ एक बॉल है उसका मास एम है और फिर मैं एक लंबी रस्सी के साथ उतना ही मास अटैच करूं और इन दोनों को मैं गोल मूव कराऊं तो लंबी रस्सी का रोटेशनल मास कहीं ज्यादा होगा, 4 times ज्यादा होगा क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास दो व्हील हैं, दो तरह की साइकिल हैं, एक साइकिल के व्हील छोटे हैं, एक साइकिल के व्हील बड़े हैं, बड़े व्हील्स वाली साइकिल का रोटेशनल मास ज्यादा होगा क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा है और उसको चलाना भी आसान मुश्किल होगा। अगर वो एट रेस्ट है उसको चलाना मुश्किल होगा, अगर वो चल रही है तो उसको रोकना मुश्किल होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इम्पैक्ट होता है।